स्नातक एमएलसी चुनाव पर पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने अपने आवास पर की बैठक, कार्यकर्ताओं से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का किया आह्वान। हमीरपुर जिले के स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी ने 200 सफाई कर्मियों को बांटी गर्म वर्दी। शाहबाद क्षेत्र में चीनी मिल गार्ड और किसान के बीच कहासुनी, गार्ड की सूचना पर पहुंची पीआरवी ने किसान की जमकर की पिटाई। पंजाबी धर्मशाला स्थित बेकरी में शॉर्ट सर्किट से लगे आग, दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। बिजनौर में मासूम बच्चे की मौत का खुलासा, महिला और युवक ने अवैध संबंध को छुपाने के लिए बच्चे की गला दबाकर की थी हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने अपने आवास पर बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयपाल सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान किया। उन्होंने 30 जनवरी को होने वाले मतदान में उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया है। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह स्टेट, विजय शर्मा, रामचंद्र सिंह गुर्जर, दीपक चौधरी समेत अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। हमीरपुर जिले के स्थापना के 200 वर्ष पूर्ण होने के पर जनपद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट परिसर में नगर पंचायत कर कुरारा सुमेरपुर के करीब 200 स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित कर उन्हें गर्म वर्दी वितरित की, जिसमें सफाई कर्मी सुबह शाम की शीतलहर के बीच अपने काम को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। जनपद हमीरपुर के 200 वर्ष होने के जो है उपलक्ष्य में नगर पंचायत कुरारा और नगर पंचायत सुमेरपुर के 200 कर्मचारियों को शीतकालीन वर्दी का वितरण किया गया है। जो भी हमारे स्वच्छता सेनानी हैं, जैसा कि हमारे आदरणीय जिला अधिकारी सर ने उनको नाम दिया है, उनके द्वारा ही, उनकी अध्यक्षता में ही और विशिष्ट अतिथिता जो निभाई है वो कप्तान सर ने निभाई है, उनके समक्ष इनका उत्साहवर्धन किया गया है, उनका वर्दी का वितरण किया गया है। और जैसा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ख्याल रखें और स्वच्छता में उनको प्रेरित करें, उनको प्रेरणा दें, उसी के क्रम में आज इनको मतलब हम लोगों के द्वारा प्रेरणा मिली है, जिलाधिकारी के द्वारा प्रेरणा मिली है और ये नगर को स्वच्छ रखेंगे, ऐसी मेरी कामना है। खबर रायबरेली से है। यहाँ जिला कारागार में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी का पुलिस अभिरक्षा में केजीएमयू ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान एक पैर काट दिया गया था, जिसके बाद जिला कारागार रायबरेली में डॉक्टरों की निगरानी में आरोपी का इलाज किया जा रहा था। अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अब सर हमको तो ये मालूम नहीं, मैं से भैया लोगों ने कोई फोन करी साहब कि आपके आदमी खत्म हो गए हैं, हमने वकील के साहब के पास गए तो वकील साहब कहें तारीख है, तारीख कर ले, देख ले फिर जाओ तुम। तो वकील साहब से भी हमसे पहले बात करी तो हम चक्री आगे गिर गए, फिर वकील साहब ने बात करे कि हमारे आदमी खत्म हो गए हैं। क्या बीमार थे वो, क्या उनके पैर में गोली लगी थी। उक्त बंदी की दिनांक 20/1/23 की प्रातःकाल अकस्मात तबीयत ज़्यादा खराब होने पर तत्काल उपचार हेतु भेजा गया, जहां बंदी की जिला चिकित्सालय रायबरेली में मृत्यु हो गई। मृतक बंदी का पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के पश्चात न्यायिक अन्य विधिक कार्रवाई करवाई गई। खबर
कानपुर से है, जहां शिवसेना कार्यालय पर बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती के अवसर पर बैठक आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष शिव कुमार विश्वकर्मा ने 23 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ बाला साहब की जयंती मनाने की जानकारी दी है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पॉलीथीन बंद करो अभियान के तहत नगर निगम अधिकारी दुकानदारों से अवैध वसूली कर रही है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि शिवसेना अभियान चलाकर पॉलीथीन बंद कराने का काम करेगी। बैठक के मुख्य रूप से सुरेंद्र राजपूत, महासचिव शिवम शुक्ला, कार्यकाल प्रभारी भोला पंडित, प्रमुख सचिव रंजीत सिंह सिंगर, सचिव समेत अन्य शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित थे। आज शिवसेना कानपुर जिले के पदाधिकारियों के बर्रा से स्थित कार्यालय में बैठक हुई है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती है 23 जनवरी, उसको तैयारी को लेकर आज बैठक की गई है। शिव सैनिकों को निर्देश किया गया है कि अपने अपने वार्डों में, अपने अपने स्थानों में, जैसे कि अस्पतालों में फल वितरण करना या मिष्ठान वितरण करना, ये सब कार्यक्रम संपन्न करें पूरे शहर में। कानपुर कमेटी एक प्रतिमा स्थापित है गुजेनी अम्बेडकर नगर में, उसमें जल स्नान करा के माल पहना के साथ ही मिष्ठान वितरण किया जाएगा। खबर लखनऊ से है, यहां मधुरमान रेस्टोरेंट के संचालक मनीष गुप्ता ने विभूतिखंड थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि संपत्ति के बदले लाभ दिया जा चुका है, फिर भी राम प्रकाश, राम मनोहर और उनके पिता 2.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं और व्यापारी व्यापार नहीं करने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि निबंध कार्यालय पर राम प्रकाश मिश्र, राम मनोहर मिश्र और उनकी पत्नी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, लेकिन रुपए की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। खबर बांदा से है, जहां देहात कोतवाली के मखोहखर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक COCT ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की तैयारी कर रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत महोखर गांव के पास ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। व्यक्ति जो है वह उम्र करीब 30 वर्ष है, 13 माफी का रहने वाला था। तत्काल बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है, पारिवारिक जनों को सूचना दे दी गई है, मौके पर आ गए हैं। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर औरैया से है, यहां लेह लद्दाख में तैनात आर्मी के जवान रामजी तिवारी की बंकर का वायलर फटने से निधन हो गया है। इस हादसे में अन्य कई जवानों का निधन भी हो गया है। सेना के उच्च अधिकारी ने फोन कर शहीद जवान के परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद जवान के गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों की उपस्थिति में सेना के जवान शहीद के गाँव में अंतिम विदाई दी जाएगी। बहुत अच्छा उनका कुशल व्यवहार था, बोलचाल सब कुछ अच्छे थे, सबसे मिलते थे या जब आते थे कुछ चीज़ें, और गांव में बहुत ये मातम बस रहा है इस वक्त जब से ये खबर सुनी है। कहाँ थे तैनात? वो लेह लद्दाख में थे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बहुत मिलनसार लड़का था, और गाँव में उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कितनी उम्र होगी? उम्र यही थी 36-37। कहाँ इस समय तैनात था? इस समय लेह लद्दाख में तैनात था। क्या आप लोगों को जानकारी मिली है? किस अब जानकारी तो फोन के द्वारा वहाँ से दी गई है, जानकारी की उनके फोन के माध्यम से ये मिली कि वो बंकर में, लेह लद्दाख पोस्टिंग था, बंकर में आग लगने से दुर्घटना हुई, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। 5-6 जवान और थे उसमें, उसमें शायद 2 या 3 की मृत्यु हो गई, 2-3 ICU मरती है, इतनी जानकारी हमको मिली। हमारे परिवार का लड़का था, हमारा भतीजा था, रामजी तिवारी नाम था, जो वर्तमान में 10 दिन पहले लद्दाख में पोस्टेड हुआ था। वहाँ पर कुछ बॉयलर वगैरह फटने से कैंप में आग लगी, उसकी वजह से घटना घटी। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। कब शादी हुई थी? 2004 में नौकरी ज्वाइन किया था, शादी को लगभग 7-8 साल हो गए, 10 साल के आसपास। 10 साल हो गए शादी को, 2004 में ज्वाइन किया था जी।
खबर देवरिया से है, जहां बरहज से रुद्रपुर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर आग ताप रहे व्यक्ति को रौंदते हुए एक मकान में जा घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों का राहत बचाव कार्य जारी है। ट्रक सुबह सुबह लगभग 7-7:30 बजे के आसपास बरहज की तरफ से आ रहा था और रुद्रपुर की तरफ जा रहा था, और सुबह बगल में कुछ लोग आग ताप रहे थे, 4-5 लोग, 6 लोग थे। एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक वाला एक साइड में काटा है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर के आग तापते हुए लोगों को रौंदते हुए और दीवार में जा करके घुस गई है। कितने लोग वहाँ ऑन द स्पॉट? तो 2 आदमी को हम लोग तो अपने आँख के सामने निकाले हैं। एक ड्राइवर की भी मौत हुई है और जो साइकिल वाले को चोट लगी थी वो उसकी भी मौत हो गई है। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया। खबर हरदोई से है, यहां शाहबाद क्षेत्र में चीनी मिल के गार्ड और किसान के बीच कहासुनी हो गई। गार्ड की सूचना पर पहुंचे 112 पीआरवी पुलिसकर्मियों ने किसान की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसका सिर फट गया है। नाराज किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और पीआरवी गार्ड पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। सूचना पर पहुंचे शाहबाद कोतवाल सुरेश कुमार मिश्र ने किसानों से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। क्षेत्राधिकारी शाहबाद हेमंत उपाध्याय ने बताया कि किसान और गार्ड के बीच विवाद का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबू धान तीर किनारे खड़ो हो तो हम टिक्की खान लगे, हमने कहे वहाँ हटाई नहीं गार्ड गए, तो हमने कही ट्राली हटा, तो हमने कहे वहाँ टिक्की खाई ले, मैं हटाई नहीं, तो उनने सब नंबर वाले ने बताया था जाते हैं, हमने स्टार्ट करके तो लाइन किनारे खड़ो कर लाइन देखते हैं, सब नंबर वाले गए उनने हमारे बेहत मार दिया, बंद ना कर। क्या लेकर आए थे यहाँ? खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर थाना के जाफरपुर कोट गांव में गन्ने के खेत में मासूम बच्चे वरुण का शव बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि परिवार के सभी सदस्य कुआं पूजन कार्यक्रम में और पति काम से बाहर गया हुआ था। अकेले का फायदा उठाकर घर में महिला और युवक को अवैध संबंध बनाते समय मासूम ने दोनों को देख लिया था। डर के चलते महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मासूम वरुण की गला घोट कर हत्या कर दी, शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने हत्यारोपी महिला और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित पंजाबी धर्मशाला के सामने एक बेकरी में अचानक भीषण आग लग गई। राहगीरों ने आग लगने की सूचना दुकान संचालक और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन पर जानकारी दी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान संचालक ने बताया कि 9:30 बजे दुकान बंद करके घर गया था, अचानक बेकरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब रात 12 बजे आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने दुकान संचालक को नुकसान का अनुमान लगाने के निर्देश जारी किए हैं। रात को 9:30 बजे गए थे दुकान बंद करके, तो तकरीबन रात को 12 बजे फोन आया था, किसी ने रात चलते ने फोन करा था, ऐसे ऐसे बातें बेचा होगी दुकान में आग लग गई। 12 बजे करीब आए थे, जब फायर ब्रिगेड को बुलाया फिर जब आग कंट्रोल में हुई 2:30 फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई थी, आ गई थी टाइम से आ गई। कितना नुकसान के बारे में, कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान का तो भैया कुछ ना पता, पर जो है वो सब साफ है, कुछ बचा नहीं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।